भारतीय बाजार में वाहन ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी तक के दामों में तेज से उछाल आ रहा है। देश में पेट्रोल डीजल के रेट तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं, साथ ही सीएनजी पर भी महंगाई अटैक कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के दाम फिर बढ़ा दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में सीएनजी गैस के दाम 2.5 रुपये प्रति किलो के बढ़त के बाद अब 66.61 रुपये प्रति किलो कर दिए गए हैं। बीते 5 दिन में सीएनजी 6.60 रुपये प्रति किलो महंगी हो चुकी है, जबकि पेट्रोल डीजल के दाम 16 दिन में 10 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ चुके हैं। जनता वाहन ईंधन की कीमतों में लगातार हो रहे इजाफे से परेशान है। भारतीय तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में आज यानी 6 अप्रैल को एक बार फिर इजाफा किया है। दोनों ही वाहन ईंधनों की कीमतों में 80-80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल अब बढ़त के बाद 105.41 रुपये प्रति लीटर, जबकि डीजल 96.67 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंड क्रूड 109.24 रुपये प्रति बैरल पर पहुँच गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल की बढ़ती कीमतों पर कहा कि अमेरिका, कनाडा समेत विकसित देशों में एक साल में पेट्रोल के दाम 50% तक बढ़े हैं, जबकि भारत में केवल 5% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल 4 नवंबर 2021 से लेकर 21 मार्च 2022 तक पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था। इसके बाद 22 मार्च 2022 से दोनों ही ईंधनों के भाव बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ। अब तक 16 दिन में 14 किश्तों में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपये प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। तेल कंपनियों ने 16 दिन में 14 बार पेट्रोल डीजल के भाव में बढ़ोतरी की है। नई वृद्धि के साथ दिल्ली में अब तक पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया जा चुका है। बता दें कि स्थानीय करों के आधार पर राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग अलग होती हैं। पेट्रोल डीजल की महंगाई से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को अपने पिछले नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल की कीमत में कुल 15 से 20 रुपए तक का इजाफा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।